केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। इस बीच नालंदा के बिहार शरीफ और रोहतास के सासाराम में हालात फिर से खराब हुए हैं। रोहतास में बम ब्लास्ट की सूचना है जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं। उधर नालंदा में फायरिंग हुई है जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिहार के नालंदा में हालात गंभीर हुए हैं। बिहार शरीफ में शनिवार को एक बार फिर स्थिति बिगड़ने के बाद इलाके में धारा 144 हटाकर कर्फ्यू लगा दिया गया। यही नहीं, इंटरनेट भी बंद रखा गया है। उधर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों को घरों में बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। इस संबंध में बिहार पुलिस की ओर से लगातार कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें लोगों की शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। डीएमएसपी खुद क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कह रही है। वही बात करें रोहतास जिले के सासाराम की तो वहां बम ब्लास्ट की सूचना में हड़कंप मच गया है। करीब 5 से 6 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। एक स्कूटी भी बरामद हुई है। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। यहां भी पुलिस ने लोगों को घरों में रहने के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की शांति की अपील कर रही है।